गाइस अभी के टाइम पे अपना गेम ओपन नहीं हो रहा होगा और इसका मतलब ये है कि अपने गेम के अंदर आ चुका है ओबी अपडेट। और ये ओबी अपडेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा मजेदार होने वाले है क्योंकि ओबी अपडेट में काफी ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं। सबसे पहले भाई फ्री फायर का लोगो चेंज होने वाला है। फ्री फायर का लोगो भाई कुछ इस टाइप से पहले ऐसा था, अब इस टाइप से होने वाला है नया फ्री फायर का लोगो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी फ्री फायर में जब अपना ओबी अपडेट आ जाएगा तो उसके बाद क्या क्या नई नई चीजें हमको गेम में देखने मिलेगी। तो गाइस ये वीडियो होने वाला आप सबके काफी इंटरेस्टिंग। आज शाम में क्या नई चीज आने वाले, कुछ इंटरेस्टिंग भी आने वाला है और कुछ चीजें आप लोगों को हिला के रख देगी। तो क्या क्या चीजें जरूर देखिए, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक न्यू गन आने वाला जिसका नाम है बिजोन और ये एसएमजी गन है एक, और इसका हाई डैमेज है, लो स्टेबिलिटी है और क्लोज रेंज के लिए है। स्टेबिलिटी मतलब भाई ये गन काफी ज़रा हलने वाली है। तो ये गन बेसिकली हो सकती है यूएमपी टाइप, जो कि कुछ टाइप ज्यादा रिकॉइल करेगी, बट हाई डैमेज बोल रहे तो मेरे को लग रहा है यूएमपी टाइप होगा। और क्लोज रेंज बोल रहे हैं तो यस यूएमपी तो भाई मिड रेंज में काफी अच्छा वर्क करता है, बट जो देखते हैं जब बिजोन गन आएगा तो कैसा रहेगा ये गन। बाय द वे न्यू एसएमजी गन अपने गेम के अंदर आने वाली है। कैरेक्टर एडजस्ट की बात कर कैरेक्टर में क्या चीज होने वाला, तो ये एक जो है मिगवल वो आप किसी को नॉक करोगे तो आप लोगों को 80 ईपी देगा। मतलब कैरेक्टर में चेंजेस जो हुआ है वो मिगवल में हुआ है। ये जब आप नॉक करोगे तो आपको इंस्टेंट 80 ईपी देगा। पहले कितना दिया करता था भाई याद नहीं आ रहा मेरे को, किसी को जा रहे तो बताओ कमेंट में। उठा एक और चीज, फिफ्थ एनिवर्सरी होने वाला है। तो फिफ्थ एनिवर्सरी में गरेना फ्री फायर कोलैब करने वाला है जस्टिन बीबर के साथ, ये आप सभी को पता होगा। तो सकता है फ्री फायर का एक न्यू सॉन्ग भी आए, जस्टिन बीबर उस सॉन्ग को शायद लिखे हो या फिर उस सॉन्ग को गाए, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। बट पता नहीं, शायद फ्री फायर को जस्टिन बीबर का पुराना वाला गाना उठा के अपने गेम में भी डाल सकता है। Let's see, क्या होता है और क्या नहीं। और जो वॉर चेस्ट रिवर्क होता है ना, मतलब वॉर चेस्ट जो कि अपने को देखने मिलता है मैप के अंदर डब्बे, तो वो डब्बे में कुछ अपग्रेडेशन आने वाले हैं। आप देख सकते हो पोस्टर में, इसमें अब लेवल अप्स भी होने वाले हैं। तो लेवल अप कुछ इस टाइप से होगा कि भाई पहले भाई दो का वेस्ट है तो तीन का वेस्ट हो जाएगा अगर उसको आप लेवल अप करोगे तो। शायद कुछ कॉइन्स में वो जो FF टोकन होते हैं ना गेम के अंदर, FF कॉइन्स, उससे शायद आप चेंज कर सकते हो या फिर लेवल अप कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप का होने वाला है ये लेवल अप वाला सेक्शन। उसके बाद गन्स में एडजस्टमेंट की बात करें तो वेपन बैलेंसिंग में कुछ चीजें अच्छे बनाए गए हैं और कुछ चीजों को बेकार किया गया है। जैसे कि G36 को ले लो आप, रेट ऑफ फायर को बढ़ाया गया है, एक्यूरेसी जो रेंज में होता है उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है। एंड M24 की बात करें उसमें डैमेज में थोड़ा सा प्लस किया गया है। और M1887 की बात करें तो भाई साहब इफेक्टिव रेंज को थोड़ा सा बढ़ाया गया है, फायर रेट को बढ़ाया गया और डैमेज को कम किया गया है। तो हाँ M1887 भाई यूज करने में दिक्कत ज्यादा होने वाली क्योंकि डैमेज कम हो गया, बट अगर आपके पास सिंगल डैमेज वाली स्किन है तो यस थोड़ी बहुत वर्क कर सकती है। परफॉर्मेंस में आर्मर पेनिट्रेशन प्लस किया गया है और स्कार में जो है डैमेज को भी प्लस किया गया है। M14 के अंदर रेट ऑफ फायर को माइनस किया गया है, बट यार M14 में पर्सनल मेरे को लग रहा था कि भाई डैमेज कम कर देना चाहिए, रेट ऑफ फायर से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। और यूएमपी में किया गया आर्मर पेनिट्रेशन को माइनस। तो यार इसमें कुछ अच्छे कुछ बुरे हैं, आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट में जरूर से बताना। और ये नया सुपर मेडिकिट आया है, सुपर मेडिकिट एनहांस मेडिकिट, ये क्या है? और जहां तक मेरे को पता है आप ये सुपर मेडिकिट यूज करोगे अभी कैसे मिलेगा तो गेम के अंदर आएगा, पता चलेगा सुपर मेडिकिट का क्या सिस्टम एक्चुअली गेम के अंदर मिलेगा कि भाई कहां से मिलेगा ये नहीं पता। और सुपर मेडिकिट ये है कि अगर आप एक मेडिकिट यूज करोगे तो आपकी एचपी पूरी की पूरी फुल हो जाएगी, ऐसा जहां तक मेरे को लगता है। जो नॉर्मल मेडिकिट होता है वो हमको 70 से 75 का, मतलब 70 से 75 का हमको एचपी देता है, बट जो सुपर मेडिकिट होगा वो हमको पूरा ही दे देगा एक बार में। आप अगर आपकी एचपी बहुत कम होती तो एक बार में आप फुल कर देगा वो। तो इस रश में काफी ज्यादा कम रहा है न्यू सुपर मेडिकिट। अब सीएस के अंदर, सीएस रैंक जो होता है क्लैश स्क्वाड के अंदर, आप सामने वाले बंदे का एक्टिव एबिलिटी चेक कर सकते हो कि भाई वो कौन सा एक्टिव एबिलिटी वाला कैरेक्टर लेके खेल रहा है, मतलब एग्जैक्टली वो जो कैरेक्टर लेके खेल रहा है वो कौन सा है ये आप पता लगा सकते हो। एंड एक चीज, तो भाई गरेना तो बैन करते रहते हैं काफी सारे लोग, लेकिन इस बार गरेना ने यूट्यूब से काफी सारे चैनल्स को टर्मिनेट भी किया है और काफी सारे चैनल्स के वीडियोस को डिलीट भी करवाया जो हैकर्स रिलेटेड वीडियोस डालते थे। तो यस, ये काफी अच्छा डिसीजन लिया गरेना फ्री फायर ने। तो वैसे शाम के बाद से अपना गेम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आप सभी को पता है कि भाई शाम के बाद भाई ग्लिचेस हो जाते हैं, लेकिन इस बार गरेना ने दावा किया है कि हमको गेम के अंदर कम से कम ग्लिच देखने मिलेंगे और गेम का जो एक्सपीरियंस है वो पुराने फ्री फायर की तरह देखने मिलेगा। अब देखते हैं कि भाई गेम के बाद जो अपडेट आएगा उसमें कितने चेंजेस होंगे, क्या मजा आने वाला है कि फ्री फायर और बोरिंग हो जाएगा, हमको अपडेट पर पता चलेगा। वैसे गेम में और भी कई सारे इंटरेस्टिंग और छोटे छोटे अपडेट्स भी आएंगे, छोटे छोटे चेंजेस भी होंगे, तो हमको गेम ओपन करके पता चलेगा। बाय, आप लोगों को आज छोटे से लगा में दोस्तों बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर, बाद में बेल नोटिफिकेशन भी सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।